इस वीडियो में देखिए दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन है वो है जियो यूजर्स के लिए। जो भी मेरे भाई जियो सिम यूज कर रहा है, जियो टेलीकॉम ऑपरेटर यूज कर रहा है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। जियो का सिम यूज करने वाले भाई 4500 रुपए तक का, 4500 रुपए तक का फायदा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने जा रही है। देखिए, आप लोग स्मार्टफोन का यूज तो करते ही हैं और हर कोई साल में या दो साल में अपना स्मार्टफोन चेंज करना ही चाहता होगा। तो ऐसा ही ऑफर भाई एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, वो लेकर आया है जियो सिम यूजर्स के लिए। ये सिर्फ जियो यूजर्स के लिए है भाई, जो कि जियो का सिम यूज करता है। 4500 रुपए तक का जो है उनको एक तोहफे के रूप में दिया जा रहा है भाई। और मैं बता देता हूँ, जो ये मोबाइल है बहुत अच्छा मोबाइल है और सस्ता भी है भाई। जो ये मैं प्लान बता रहा हूँ जियो यूजर्स के लिए, एक सस्ता मोबाइल है और 5G आप लोगों को पता है लगभग हर जगह लॉन्च कर दिया जा चुका है। तो ये 5G मोबाइल है, सस्ता, बहुत सस्ता मोबाइल है भाई। और मोटोरोला कंपनी है भाई, मोटोरोला कंपनी मैं कहना चाहूँगा कि बेस्ट है भाई। इसे सोचने की जरूरत ही नहीं है, किसी को भी सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मोटोरोला कंपनी कैसी है। पहले आप लोगों ने देखा होगा जब पुराने टाइम में ये ओप्पो वीवो कोई भी कंपनी नहीं थी मतलब इंडिया के अंदर, तो मोटो जो है सबसे पहली कंपनी थी यहाँ पर इंडिया के अंदर। लेकिन वो कुछ टाइम के बाद बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर से ये रिलॉन्च हुई इंडिया के अंदर। मोटो के मोबाइल फिर से लॉन्च किए गए थे, तो अब मोटोरोला अपने मोबाइल लॉन्च करती जा रही है। उन्होंने बहुत सस्ता 5G मोबाइल फोन लॉन्च किया है भाई, मोटोरोला Z34 मॉडल का नाम है, ठीक है। और अभी जनवरी में ही ये जो आपका मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, ये लॉन्च हुआ है, मोटो Z34। और 5G मोबाइल है, सबसे बड़ी बात ये है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता देता हूँ रैम को लेकर, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम रहता है कि अगर रैम कम होती है किसी भी स्मार्टफोन की तो वो हैंग होने की प्रॉब्लम करता है। लेकिन इस सस्ते प्राइस में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। दो वेरिएंट इन्होंने निकाले हैं, पहला है 4GB रैम और 128GB जो उसकी इंटरनल मेमोरी है इस वेरिएंट के साथ, और जो सेकंड है वो है 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल मेमोरी। बहुत अच्छी है भाई मेमोरी। और इनके प्राइजेस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप 4GB रैम के साथ लेंगे तो वो है 10,999 मतलब 11,000 में, ठीक है। और जो इसका 8GB रैम वाला वेरियंट है वो है भाई 11,999 के अंदर। बहुत अच्छे प्राइजेज हैं भाई, बहुत अच्छे प्राइजेज हैं। और ये स्मार्टफोन 17 जनवरी को लॉन्च होगा, अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। और फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहाँ से जो है आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। तो अब आती है प्लान्स की बात। बाकी जो इसकी थोड़ी बहुत और स्पेसिफिकेशन मैं बता देता हूँ। 5G है, बहुत अच्छे जो है इसके बैंड्स दिए गए हैं भाई 5G नेटवर्क कवरेज करने के लिए। 5G तो मतलब आपका टूटेगा ही नहीं, इस तरह के बैंड्स इसके दिए गए हैं। और इसके साथ साथ स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर दिया गया है, बहुत अच्छा है प्रोसेसर है भाई इसके अंदर। बाकी अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बैक कैमरा जो है वो है 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, उसके साथ जो है एक माइक्रो कैमरा दिया गया है। और जो इसका इंटरनल कैमरा है वो भी 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। कुछ इस तरह की स्पेसिफिकेशन आप लोगों को इस के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा मोबाइल है, सस्ता है भाई, जैसा कि मैंने प्राइस आप लोगों को बता ही दिया है भाई, 10,999 और 11,999 में 17 जनवरी को ये फ्लिपकार्ट पर लॉन्च होने जा रहा है। और इसके साथ साथ जियो यूजर्स के लिए मैं बताने आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जियो का सिम जो नेटवर्क यूज करता है उनके लिए बेनिफिट देना है। अगर आप लोग ये देखिए मोबाइल खरीदते हैं, ये स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो अगर आप लोगों के पास जियो का सिम है तो आप लोगों को देखिए क्या क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है। एक तो भाई आप लोगों को 2,000 रुपये के वाउचर दिए जा रहे हैं जियो की तरफ से, जो कि आप लोग उनकी जो माई जियो एप्लीकेशन होती है वहां पर यूज कर पाएंगे। मतलब 50-50 रुपये के 40 वाउचर होंगे भाई वो, ठीक है, 50-50 रुपये के 40 वाउचर होंगे। और उन वाउचर्स को आप लोग जो 399 वाला 399 रुपये वाला प्रीपेड रिचार्ज प्लान है उसके साथ यूज कर पाएंगे। मतलब आप लोग अगर 399 रुपये का अपने माई जियो ऐप से रिचार्ज करेंगे तो आप लोग के जो वाउचर है भाई एक 50 रुपीज़ वाला वो वहाँ से कट जाएगा। मतलब आपको जो 399 वाला रिचार्ज है वो 349 में पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वो रिचार्ज वाउचर यूज किए जाएंगे। इसके साथ साथ AJIO इनकी भाई ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर भी भाई ये 2500 रुपये की खरीदारी करने पर अगर आप वहाँ से 2500 रुपये का कुछ खरीदेंगे तो 500 रुपये का डिस्काउंट वहाँ पर दिया जा रहा है।
इसके साथ नेट मेड्स एक मेडिकल स्टोर कह सकते हैं कि ऑनलाइन, ठीक है, कुछ भी मेडिकल से मेडिकल जो भी आप लोग जो है मेडिसिन वहां से खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो वहां पर भी 500 रुपए का कैश वॉलेट दिया जा रहा है नेटमेड्स एप्लीकेशन के अंदर। और इसके साथ साथ अगर आप लोग कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो यात्रा एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है भाई, वहां से आप लोग अगर फ्लाइट बुक करेंगे तो 1500 रुपए का डिस्काउंट दोस्तों आप लोगों को यात्रा एप्लीकेशन में भी दिया जा रहा है। अगर आप लोग मोटो Z34 फोन स्मार्टफोन खरीदते हैं उसमें अपना जियो सिम यूज़ करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है भाई, इस प्लान का यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग अगर स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो 17 जनवरी तक का वेट कीजिए, फ्लिपकार्ट पर बहुत अच्छा और बहुत सस्ता और बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को जो फ़ोन अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर जाकर आप लोगों को ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा, मोटोरोला Z34 4GB रैम और 8GB रैम के साथ। सो अपडेट यदि अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।